जो मेधावी छात्र हमारे टॉपर्स यहाँ मौजूद हैं, इनकी प्रतिभा को सलाम करते हुए इन्हें पुरस्कृत कर इनके हौसले को बुलंद करें माननीय मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले जोरदार तालियां, और इन्हीं तालियों के बीच मैं आवाज दे रही हूं जैक के कक्षा दसवीं के अभिजीत शर्मा, जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है एसआर के उच्च विद्यालय बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के अभिजीत शर्मा। तालियों में कमी ना करें, तालियां सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है आज के इस यादगार मौके पर। इस समय मंच पर अभिजीत शर्मा, अभिजीत शर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें पुरस्कार भी प्रदान कर रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से। ये प्रथम स्थान 3,00,000 रुपए, लैपटॉप, मोबाइल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद जैक के कक्षा 12वीं के कला विषय में मानसी साहा प्रथम स्थान, टॉपर मानसी साहा, किसान मजदूर इंटर कॉलेज हजारीबाग की मानसी साहा इस वक्त मंच पर पुरस्कृत की जा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। 3,00,000 रुपए, तालियां जोरदार, 3,00,000 रुपए, प्रशस्ति पत्र, मोबाइल और लैपटॉप के साथ इन मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां अगर लगातार होती रहे तो ये जोश जो है इनका और भी बढ़ता चला जाएगा, और भी बच्चे प्रेरित होंगे और आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे। इनके बाद विषय विज्ञान, प्रिया कुमारी इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग की टॉपर प्रथम स्थान, प्रिया कुमारी इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग, 3,00,000 रुपए का ये चेक, डमी चेक हम इस समय प्रदान कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल और प्रशस्ति पत्र टॉपर को प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रिया कुमारी इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग विज्ञान। इसके बाद आएंगे विषय वाणिज्य, प्रथम स्थान हासिल किया है निक्की कुमारी ने डीवीसी प्लस टू उच्च विद्यालय चंद्रपुरा बोकारो जिला से। निक्की कुमारी जोरदार तालियां, प्रथम स्थान प्राप्त कर ये टॉपर बनी है और आज पुरस्कृत की जा रही हैं। तीन लाख रुपए, लैपटॉप मोबाइल और प्रशस्ति पत्र। इसके बाद बोर्ड सीबीएसई 10वीं कक्षा के अथर्व सिंह ने प्रथम स्थान हासिल किया है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर जिला के ये छात्र सीबीएसई कक्षा 10वीं के। तालियां। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच इस समय कक्षा 12वीं विषय कला शाकिब अरसलान किसी कारण से अनुपस्थित है लेकिन उनके पिताजी आए हैं, आप आए। प्रथम स्थान हासिल करने वाले शाकिब अरसलान के पिताजी उनकी तरफ से ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल सेल टाउनशिप धुरवा रांची के छात्र शाकिब अरसलान। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच पुरस्कार वितरण, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है इस छात्र ने और मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। विषय विज्ञान प्रथम स्थान कशिश अग्रवाल वीबी चिन्मया विद्यालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, कशिश अग्रवाल। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इस समय कशिश अग्रवाल टॉपर वीबी चिन्मया विद्यालय जमशेदपुर। इसके बाद वाणिज्य विषय में स्मृति गोयल प्रथम स्थान हासिल किया है स्मृति गोयल दिल्ली पब्लिक स्कूल सेल टाउनशिप धुरवा रांची। स्मृति गोयल प्रथम स्थान प्राप्त कर आज पुरस्कार की हकदार बन रही है। 3,00,000 रुपए, लैपटॉप मोबाइल और प्रशस्ति पत्र। इसके बाद बोर्ड आईसीएसई कक्षा 10वीं में वेदराज ने प्रथम स्थान हासिल किया है सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चाईबासा पूर्वी सिंहभूम। आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं
तालियां जोरदार। और इसके बाद कक्षा 12वीं में विषय कला में आस्था सिंह टॉपर बने हैं। आस्था सिंह सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम कला में 12वीं में आईसीएसई बोर्ड की ये आस्था सिंह टॉपर बनकर पुरस्कार प्राप्त कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और इनके बाद विज्ञान विषय में स्वास्तिक भद्र किसी कारण से अनुपस्थित है लेकिन उनकी माताजी आई हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आप आए और उनकी तरफ से ये पुरस्कार ग्रहण करें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। स्वास्तिक भद्र ने प्रथम स्थान हासिल किया है सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की ये छात्रा। इनके बाद विषय वाणिज्य में प्रथम स्थान हासिल किया दिव्यांश मिश्रा ने लिटिल फ्लावर टेलको कॉलोनी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। तालियां जोरदार हो। हेलो हेलो, तालियां जोरदार होती रहे। और इसके बाद झारखंड राज्य ओलंपियाड जो पहली बार इसका आयोजन किया गया ओलंपियाड के जो विनर्स हैं उनके विनर्स के बीच मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। बोकारो जिला आकांक्षा कुमारी केजीबीवी जरीडी सामान्य ज्ञान प्रथम स्थान हासिल कर टॉपर बनी है झारखंड स्टेट ओलंपियाड। 1,40,000 बच्चे इसमें सम्मिलित हुए जिसमें चयनित उत्कृष्ट विद्यार्थी को चयनित करके आज इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। कुल 62 विद्यार्थियों का चयन हुआ प्रथम द्वितीय और तृतीय के रूप में और इस समय 3 के बीच सांकेतिक रूप से। क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बातों को शुरू कर रहा हूं और जितने अभिभावकगण कुछ विषय को लेकर चिंतित हैं आप लोग यहां उपस्थित हुए हैं और आप सभी लोगों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आज हम लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों के लिए एक नई कड़ी एक नई योजना प्रारंभ की है। इसमें कुछ सांकेतिक रूप से यहाँ बच्चों को पुरस्कार दिया गया है कुछ को अभी देने हैं और मैं क्षमा इसलिए चाहूँगा क्योंकि 1 बजे से ये कार्यक्रम है 10 बजे से ही बच्चे आए हुए हैं। इसी तरीके से कई लोग राज्य में अपनी अपनी समस्या अपनी अपनी बातों को लेकर कहीं सड़कों पर मिलते हैं कभी घरों में मिलते हैं। सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा वक्त देते देते हमें यहाँ आने में विलंब हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। और जो हमारी सोच थी कि हमारे झारखंड के बच्चे चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों चाहे वो CBSE में पढ़ रहे हों चाहे वो ICSE कोर्स कर रहे हों जो बच्चे काफी शिक्षा को लेकर गंभीरता से अपनी पढ़ाई करते हैं और आने वाली चुनौती को जो उनके सामने बोर्ड के बाद होगा उसकी भी तैयारी में लगे रहते हैं उसकी उनकी उत्साह को और मजबूती प्रदान करना और शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाना
इस विषय को सोचकर हम लोगों ने पहले तो चलते चलते बच्चों को पुरस्कृत किया, कुछ व्यक्तिगत रूप से, कुछ सरकारी तौर पर, कि वो बच्चे और अच्छे होनहार बने। लेकिन ये यदा कदा हम लोग बच्चों के बीच में लोग बच्चों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है, लेकिन मुझे लगा क्यों हम इस विषय को लेके एक कार्य योजना बनाए और बिना किसी भेदभाव करते हुए जो भी बच्चे झारखंड में पढ़ रहे हैं उसको बेहतर शिक्षा के लिए पुरस्कृत किया जाए और उसको उत्साहवर्धन किया जाए। और आज अंतोगत्वा शिक्षा विभाग ने इस कार्य को पूर्ण रूप दिया है। आज के समय में जो कॉलेज जाते ही या आगे की पढ़ाई शुरू करते ही जो कुछ चीज़ों की सबसे बड़ी भूमिका हो रही है आज के समय में, एक तो अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए आर्थिक पैसों की ज़रूरत, किसी तरीके से आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर पैसे जुगाड़ भी हो गए, बच्चे का एडमिशन भी हो गया, तो उस बच्चे को पढ़ाई के लिए आज के दिन में लैपटॉप की भी आवश्यकता होती है, वो कहाँ से आएगा, एक मोबाइल की भी आज के दिन में अत्यंत आवश्यक है। आज जेब में पर्स हो या ना हो, मोबाइल जरूर होना चाहिए। आज का जो तकनीकी ज़रूरतें हैं, इससे भी और भी चीज़ें ज़रूरत हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो हमें समझ में आया कि ये बेसिक ज़रूरत की चीज़ें क्यों ना हम सरकार की तरफ से उन बच्चों को मुहैया कराएं, ताकि आज के दिन में जो लोगों की आमदनी को लेकर चिंता बनी रहती है और कई चीजों में कमी बेसी करने की आवश्यकता आन पड़ती है, तो हमने उन होनहार बच्चों के माध्यम से उन परिवारों को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है कि कम से कम टेंथ ट्वेल्थ के बाद की अगली पड़ाव की पहली सीढ़ी की चिंता आप ना करें, उसकी चिंता के लिए सरकार आपको सहयोग करने के लिए तैयार है और इसके लिए बच्चों को हम लोगों ने आज यहाँ लैपटॉप और आर्थिक सहायता दी है। और इसमें कुछ बच्चे जो हैं लगभग जिनकी संख्या 130 है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो साइंस में भी हैं, आर्ट्स में भी हैं, कॉमर्स में भी हैं, इन सब को मिला अभी कुछ बच्चों को यहाँ हम लोगों ने अपने हाथ से पुरस्कृत किया है। सभी लोगों की चाहत होगी कि सभी को मंच के माध्यम से पुरस्कार मिले। समय के अभाव को लेकर इस बात को इस बार रखा गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद हमारा कैबिनेट भी होना है,
नहीं तो हमारी भी इच्छा है कि सभी बच्चों को हम अपने हाथ से दें, हमें भी खुशी होगी और बच्चों को भी खुशी होगी। और इसको लेकर अभी सरकार ने ये कार्य योजना बना ली है और ये मैं समझता हूँ कि जो आज 130 बच्चों की जो संख्या है इस कंपटीशन के दौर में, यहाँ पर जो बच्चों की हुनर की और शिक्षा को लेकर बच्चे जितने कंसस हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग स्कूलों में, वो काफ़ी हमें देखने को मिला है। आज 130 बच्चों की हमारे पास आंकड़े आए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले 130 नहीं बल्कि 260 बच्चों की भी आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन उन सभी बच्चों को हम लोग सम्मान देंगे ताकि आने वाले समय में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आपने देखा कि हम लोग विदेशों में भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उन बच्चों का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। अभी तो मुझे जानकारी मिली है जो फर्स्ट बैच के बच्चे गए हैं, जिसमें से एक दो बच्चे तो वापस आ गए लेकिन बाकी बच्चों को वहीं नौकरी मिल गई है। ये कहीं ना कहीं एक झारखंड की सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमता पर भी निर्भर होने की क्षमता ये राज्य रखता है। और आज नहीं कल इसका परिणाम जरूर कहीं ना कहीं राज्य को भी इसका लाभ मिलने वाला है। आज अभी हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी बच्चों के साथ हम लोगों ने बिल्कुल न्यूट्रल वे में सबको सेलेक्ट करने का काम किया है। एक देवघर का ही बच्चा हमारे पास अभी यहाँ पुरस्कृत होके गया है, पता चला वो बिहार का लड़का है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं के बच्चे हो, अगर झारखंड के स्कूल से उत्तीर्ण हो रहे हैं तो उनको भी सम्मान देने का काम राज्य सरकार कर रही है। चलिए मैं बातें और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि और आगे के कार्यक्रम है, कुछ सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त हैं हम लोग। इन्हीं बातों के साथ सभी अभिभावकों को और सभी बच्चों को आने वाले बेहतर भविष्य के लिए मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।